हेलो आप सब लोगों को। सेट नंबर 5 कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन से थे, जो आपको ये दिखाएंगे कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग रीडिंग का पार्ट, और वो रीडिंग प्लेन रीडिंग नहीं, हमने पढ़ लिया वाक्य का कुछ अर्थ आया, एक क्रिटिकल रीडिंग होता है। जब आप पढ़ते हो तो उससे कुछ, जैसे मैथ्स में होता है कि सिंपल आप पढ़ के खाली समझते नहीं हो, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वही चीज इंग्लिश में मिस करती है हमको। फर्स्ट आपने देखा कि एक ऑड मैन आउट दिया हुआ था, पहले हम लोग आंसर मैच कर लेते हैं, आफ्टर दैट लेट्स एनालाइज द क्वेश्चन। वन का डी, टू का ई, थ्री डी, फोर ए एंड फाइव सी। चलो, आपका जो पहला क्वेश्चन था ये एबीपीएस मेंस का है, 22 का पेपर, थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के थे। पहला पार्ट जो था उसने कहा कि ये एक अरेंज्ड सेंटेंस है जिसमें से एक सेंटेंस बाकी चारों सेंटेंस के थीम से मैच नहीं कर रहा है। अब जरा सोचना कि अगर वो इस तरह का क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा कि किसका थीम मैच नहीं कर रहा है, तो या तो उसका टॉपिक डिफरेंट है, डिफरेंट टॉपिक है इसीलिए वो बाकी चार से मैच नहीं करेगा, बाकी चार का टॉपिक सेम है उसका टॉपिक अलग है, और नहीं तो अगर टॉपिक सेम भी हो तो उस टॉपिक के जिस एस्पेक्ट को वो बात कर रहा है उससे डिफरेंट एस्पेक्ट आपके आंसर सेंटेंस में होगा। अब जैसे मान लो कि मैं काउ के बारे में 5 सेंटेंस लिखूं, चार में मैं लिख रहा हूं कि काउ के प्रोडक्ट्स का यूज कैसे कैसे होता है, और पांचवें में मैं लिखूं कि गाय को हिंदुओं के रिलीजन में बहुत पवित्र स्थान दिया जाता है, तो ये ऑड मैन आउट हो जाएगा क्योंकि बाकी के चारों उसके प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, टॉपिक सेम भी है तो भी वो अलग हो जाएगा, और नहीं तो आसान क्वेश्चन होगा तो टॉपिक डिफरेंट देगा। इसमें जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो टॉपिक डिफरेंट वाला था, जबकि दूसरा वाला क्वेश्चन टॉपिक सेम का था, और उसमें हमें थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी। जैसे इसमें देखो, मोस्ट रीडर्स ऑफ हिंदी उर्दू हिंदी पोएट्री आर फेमिलियर विथ मुनीर नियाजीज आइकॉनिक नज्म और फ्री वर्स पोएम हमेशा देर कर देता हूं मैं। मुनीर रियाजी के नज्म को लोग जानते होंगे, द पोएम लाइक ऑल ऑफ हिज ओवर, उन्हीं के उसी पोएम की बात कर रहा है, नज्म की। सो इसका टॉपिक जुड़ा हुआ है, द फाइनेस्ट अमॉन्ग द पोएट्स ऑफ लेट 20th सेंचुरी, नॉट जस्ट इन उर्दू बट ऑल्सो इन पंजाबी, ही वॉज फिटिंगली अवार्डेड द सितारा ए इम्तियाज पाकिस्तान से, स्टार ऑफ एक्सेलेंस प्रायर टू हिज डेथ इन 2006, उनको ये अवार्ड मिला। द ट्रेवल राइटर, अब जरा देख लो इसका टॉपिक, नियाजी के बारे में फिर से यहां लिखा हुआ है, इसमें ट्रेवल राइटर विल ओपन द 11th एडिशन ऑफ द बेंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जबकि चार तुम्हारे नियाजी साहब से जुड़ा हुआ सेंटेंस था। सो ये बहुत आसानी से तुमको मिल गया, लेकिन तुम मूव करो इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में। एनिमेटर्स जो एनिमेशन बनाते हैं, कार्टून सिनेमा, अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन वर्किंग अगेंस्ट द ऑड्स, मतलब मुश्किलों में काम कर रहे हैं वो, एंड द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर इंडिया, और इंडिया के लोग भी काम कर रहे हैं उसी मुश्किल में, इंडिया के एनिमेटर्स भी। दे आर अंडरपेड, नेचुरली इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, उनको पैसा कम मिलता है, देयर वर्क रिलेगेटेड टू द साइड लाइन्स एंड द सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स एज्यूमिंग दैट एनिमेटर्स के नॉट बी कंसिडर्ड इन द सेम पैंथियन एज आवर ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर्स। एनिमेटर्स को लोग बहुत बड़े काम करने वाले को नहीं मानते, उनको उनका पेमेंट कम होता है। सो ए एंड बी का थॉट सेम, व्हाइल विल स्मिथ स्लैपगेट कंट्रोवर्सी ओवरशैडोड नियरली एवरी फ्रेम ऑफ द ऑस्कर सेरेमनी लास्ट ईयर। अभी देखो, पढ़ोगे तो शायद ये महसूस हो जाए
कि ये टॉपिक एकदम अलग है, लेकिन पूरे सेंटेंस का टॉपिक अलग चाहिए। फॉर एनिमेटर्स, एनिमेटर्स के लिए इट वॉज ऑफेंसिव फॉर अ होली इग्नोर्ड रीजन, ये ऑफेंसिव था। विल स्मिथ का थप्पड़ मारना ऑस्कर सेरेमनी के बीच में, ये एनिमेटर्स के लिए ऑफेंसिव था। अब आपका इस सेंटेंस को हम ऑड लेते हैं या नहीं लेते हैं, अभी ये डिसाइड नहीं किया जाएगा। अगला सेंटेंस पढ़ो। बिफोर प्रेजेंटिंग इन कैंटो द अवार्ड फॉर बेस्ट एनिमेटेड फीचर, द प्रेजेंटर्स लिली जेम्स, नाओमी स्कॉट एंड हैली बेली जोक्ड दैट एनिमेशन वॉज जस्ट फॉर किड्स। उन्होंने कहा कि एनिमेशन प्रेजेंटेशन अवार्ड के लिए। और आप ये देखो कि विल स्मिथ का कंट्रोवर्सी जो था वो ऑस्कर सेरेमनी में जो हुआ था वो एक कंट्रोवर्सी थी, लेकिन एनिमेटर्स के लिए एक किसी एकदम डिफरेंट कारण से ये ऑफेंसिव था, क्योंकि इन लोगों ने कहा कि ये बच्चों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 5 पढ़िएगा। अ सिमिलर सेंटिमेंट इज इकोड बाय पुक्स, अ 27-year-old एनिमेटर बेस्ड इन बेंगलुरु हु ब्लेंड्स 3D एनिमेशन विद द हैंड ड्रॉन 2D इलस्ट्रेशन डेराइविंग इंस्पिरेशन फ्रॉम स्टूडियो गिबली फिल्म्स। अच्छा, इस सेंटेंस का क्या कनेक्शन है, जबकि चारों सेंटेंस ये बता रहा है कि एनिमेटर्स के बारे में ओपिनियन बहुत अच्छा नहीं है, वो बड़े मुश्किलों में काम कर रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन में तुम्हारा ऑप्शन नंबर ई डिफरेंट जाएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं बता रहा है कि उनकी मुश्किल, उनकी परिस्थिति मुश्किल है। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि ऑडमेंट दो तरह का, एक में टॉपिक ही डिफरेंट बहुत आसान हो जाएगा, एक में टॉपिक सेम रहेगा, तो उस टॉपिक के जिस एस्पेक्ट को उठाया है वही एस्पेक्ट बाकी सब में भी होना चाहिए, जिसमें वो नहीं है वो आंसर हो जाएगा। एक कंप्रिहेंशन था। आजकल मैं देख रहा हूं कि छोटे कंप्रिहेंशन का चलन बढ़ रहा है। एक छोटा कंप्रिहेंशन दे, दो या तीन क्वेश्चन दे दे। कभी कभी एसबीआई करती क्या है कि वो 10 छोटे छोटे पैसेज दे देती है, और क्योंकि उसको लगता है बहुत बार एग्जामिनर को कि एक पैसेज दें 8 क्वेश्चन लड़का हैंडल कर लेगा अगर एक पढ़ा, तो छोटे छोटे 10 देता हूं, 10 उसको पैसेज हैंडल करने हैं, 8 पैसेज देता हूं। तो वो रीडिंग एबिलिटी को, रीडिंग स्किल को हमेशा टेस्ट पे डालता है। देखो क्या लिखा हुआ है। द रूपी इज येट अगेन फेसिंग रिन्यूड प्रेशर, रूपी पे फिर से प्रेशर आ रहा है। Along with major peers, peers होता है मतलब उसी के समकक्ष, मतलब अन्य करेंसीज पे भी प्रेशर आ रहा है। As when या because the dollar continues to strengthen in the wake of Federal Reserve's latest jumbo 75 basis point interest increase and the US Central Bank's unequivocal message that it remains squarely focused on taming inflation. यूएस का फेडरल बैंक ने कहा है कि वो उसका फोकस है कि वो इन्फ्लेशन को काबू में करना चाहता है, और उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है, इसके चलते डॉलर मजबूत हुआ और रुपीज और उसी की तरह के अन्य करेंसीज पे एक रिन्यूड प्रेशर आया है। द इंडियन करेंसी वीकेंड पास द 81 मार्क अगेंस्ट द डॉलर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फ्राइडेज इंट्राडे ट्रेड। 81 रुपीज से भी ज्यादा हो गया है उसका। बिफोर एंडिंग द वीक एट अ न्यू रिकॉर्ड क्लोजिंग लो। ध्यान रखना, ऐसा वाला जब फैक्ट देगा तो यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। द रुपीज स्लाइड वॉज सॉफ्ट एंड, रुपीज जो तेजी से गिर रहा था उसको थोड़ा मध्यम किया। बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवेंशन, उसने हस्तक्षेप किया था टू स्मूदन वोलेटिलिटी, ताकि उतार चढ़ाव कम हो। The cumulative impact of such interventions over the 12 months through September 16 had shrunk, और जो effort लगाया है RBI ने उसका impact क्या बड़ा है कि RBI's chest खजाना of foreign exchange reserve by almost 94 billion, उसके खजाने से foreign currency का
में 94 बिलियन की कमी आई है, और वो अभी फॉरेन खजाना, अभी फॉरेन करेंसी का खजाना इतने पे है अभी। द फैक्ट दैट रूपी इज नॉट एलोन इन द डिप्रिसिएटिंग अगेंस्ट द डॉलर कैन बी ऑफ लिटिल कंफर्ट। ये कहना कि रूपी अकेले नहीं गिर रहा है, ये जहां राहत नहीं देगा टू तो इंडियन कंपनीज जो कि रिलाई करते हैं, डिपेंड करते हैं ऑन इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल और सर्विसेज फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ देयर बिजनेस। जो रॉ मटेरियल और अदर इंपोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं, उनके लिए कंफर्ट नहीं होगा कि और भी करेंसीज गिर रही हैं। बहुत क्लियर है। अमेरिका ने अपना डॉलर स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, स्ट्रॉन्ग हुआ, रुपीज गिरा, आरबीआई ने ट्राई किया, आरबीआई के और उसका असर यह पड़ा कि पैसेज के अनुसार कि आरबीआई का फॉरेन करेंसी का जो खजाना था उसमें 94 बिलियन डॉलर की कमी आ गई, और ये कि और भी रुपीज और भी करेंसीज गिर रहे हैं, इससे इंडियन कंपनीज को राहत नहीं मिलने वाला है। बस यही लिखा हुआ है। क्यों प्रेशर फील कर रहा है? बहुत सिंपल है, क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है। देखो तो दिस इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए हैज प्लेस टू कर्टेल इन्फ्लेशन एंड द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ऑफ द फेडरल रेट। एकदम डायरेक्ट डायरेक्टली तो लिखा हुआ है, और तो कोई है नहीं। रुपीज क्यों प्रेशर फेस कर रहा है? दूसरा, आरबीआई के इंटरवेंशन का, आरबीआई ने जो हस्तक्षेप किया उसका असर क्या पड़ा? कंप्रिहेंशन में यही असर दिया हुआ है कि इंडिया का फॉरेन करेंसी का, फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है उसमें 94 बिलियन डॉलर की कमी आई है, और कोई असर नहीं हुआ है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ा, कम हुआ, घटा, ऐसा कुछ नहीं आया है। बस पैसेज में लिखा हुआ है कि फॉरेन करेंसी की एक्सचेंज रिजर्व में कमी आई है। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑथर, रूपी इज नॉट द ओनली करेंसी दैट इज लूजिंग वैल्यू अगेंस्ट डॉलर। व्हाट डज दिस फैक्ट अफेक्ट इंडिया? ये इंडिया पे कैसे प्रभाव डालता है? कोई प्रभाव नहीं डालता। जरा देखो तो, दिस हेल्प्स, इट हेल्प्स, कहां कोई प्रभाव डालता है कि और भी गिर रहा है? कुछ तो लिखा नहीं है, क्योंकि इंडियन कंपनी जो इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं उनको असर तो झेल ही रहे हैं। इसमें तीनों पैसेज बन सकता था, तीनों क्वेश्चंस बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हो सकता है कि उसने बड़े वाले कंप्रिहेंशन को टफ कर दिया हो। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, समझने पे, जिस दिन वो लिखी हुई चीज को बहुत स्मूथली आपसे समझ में आने लगेगा, आपको समझना उस दिन पेपर इंग्लिश का ऑलमोस्ट 100% कवर अप करने में, कुछ वोकैब के क्वेश्चन छूट सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बैंकिंग में बेसिकली और कुछ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का खेल होता है। अगले वाले सेट के साथ, प्रैक्टिस पेपर के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू सबको, थैंक यू।